The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Very very important चीज़ जो फिर से आपको समझनी है, what are the types of insulin, common types of insulin options. See, insulin therapy एक critical part है जिनको type 1 diabetes है और कुछ लोग जिनको type 2 diabetes है, और बहुत ज़रूरी है आपको target range में अपनी sugar maintain रखना, और इसीलिए insulin आपको खुद ही दी जाती है कि आप खुद लगाइए, क्योंकि रोज़ रोज़ हॉस्पिटल जाना इज़ नॉट ईजी, राइट. सो आप सीरीन से लगा रहे हो, पेन से लगा रहे हो, पंप से लगा रहे हो, वो डिपेंड करेगा आपके डॉक्टर ने क्या बोला, डजंट मैटर. लेकिन आपको समझना ज़रूरी है कि इंसुलिन की एक्टिविटी कैसे शुरू होती है, ताकि आप खुद अपनी डाइट को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सको. अगर आप फास्ट एक्टिंग इंसुलिन ले रहे हो और इंसुलिन का इंजेक्शन लगा के आपने कुछ नहीं खाया, तो सोचो क्या होगा, शुगर कम हो जाएगी, आप डेंजरस लेवल में आ जाओगे, डेंजरस शुगर लेवल, कम चक्कर आने लग जाएंगे. सो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी जानकारी है जो आपको अपने पास रखनी है, बहुत बहुत ज़रूरी. तो टाइप ऑफ इंसुलिन कौन सा ले रहे हो ये देखो, कौन सा उसकी ऑनसेट कितनी है, एक्टिव है ये देखो, ये बहुत ज़रूरी है, और उसके हिसाब से आपको खाना खाना है. अगर आप स्लो एक्टिंग इंसुलिन ले रहे हो, बहुत स्लो एक्टिंग इंसुलिन, 24 घंटे में एक्ट कर रहा है, 4 घंटे लग रहे हैं और उसके बाद में जाके एकदम मीठा खा रहे हो, मिठाई खा रहे हो, तो भी आपकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इंसुलिन स्लोली 4 घंटे बाद एक्शन शुरू होगा और आपने मिठाई खा ली तो 3 घंटे में एब्जॉर्ब हो जाएगी पूरी की पूरी, फिर वो शुगर बढ़ा देगी 4 घंटे के लिए जोरदार तरीके से. सो व्हाट इज़ द आइडिया हियर टू अंडरस्टैंड डाइट और इंसुलिन का तालमेल. अगर आप एक पहली जो टाइप है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन ले रहे हो, जिसका ह्यूमालॉग है या एपिड्रा है या नोवालॉग है, इंसुलिन एस्पार्ट है, वो लिटरली 15 मिनट के अंदर अंदर, कभी 5 मिनट, कभी 15 मिनट में एक्शन शुरू हो जाता है, 5 to 15 मिनट्स के अंदर एक्शन शुरू हो जाता है, और 45 मिनट से 1.5 घंटे के अंदर अंदर, मैक्सिमम 1 घंटे में पीक हो जाता है और 2 से 4 घंटे में ख़त्म हो जाता है. तो इसके बाद तुरंत खाना खाना ज़रूरी है, रिमेंबर दैट. फिर दूसरी जो आती है इनहेल्ड इंसुलिन भी रैपिड होती है, इनहेल्ड वाली जो आती है एफिजरा इंसुलिन पाउडर आती है, उसमें भी 12 मिनट में एक्शन शुरू हो जाता है, 40-45 मिनट में पीक सबसे ज़्यादा होगा और 2 से 4 घंटे में ख़त्म हो जाएगा. शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो आती है, इंसुलिन रेगुलर, नोवोलिन रेगुलर, वो रेगुलर एक्टिंग इंसुलिन होती है, वो शुरू होती है 30 मिनट्स में इफेक्ट, 30 मिनट में. तो आप उसको खाना खाने से पहले खाएंगे, रैपिड एक्टिंग वाली खाने के बाद भी खा सकते हैं, लेकिन कुछ खाना होता है. और अगर आपने कभी मिठाई खा ली तो रैपिड एक्टिंग या रेगुलर एक्टिंग, यही वाली शॉर्ट एक्टिंग काम ज़्यादा करेगी. शॉर्ट एक्टिंग 30 मिनट्स में शुरू होगी और 2 से 4 घंटे में पीक होगी और 5 से 8 घंटे में ख़त्म होगी. तो ज़्यादा बेहतर उस केस में, मिठाई वाले केस में है शॉर्ट एक्ट, जो रैपिड एक्टिंग वाली शॉर्ट एक्टिंग काम होगी, नॉर्मल पेस में कर सकते हैं फिर नॉर्मल खाने के साथ. फिर आ गया इंटरमीडिएट एक्टिंग, जिसमें आता है ह्यूमोलिन इंसुलिन, नोवोलिन रेलियन, राइट, इंसुलिन नॉर्मल, इंसुलिन एन, वो भी आती है. तो रैपिड एक्टिंग जो नॉर्मल एक्टिंग इंसुलिन या इंटरमीडिएट एक्टिंग जो है, 1 से 2 घंटे में इफेक्ट शुरू होता है, 4 से 12 घंटे में मैक्सिमम, और 8 से 24 घंटे तक भी धीरे धीरे चल सकता है. इसको इसीलिए सुबह शाम लिया जाता है, स्लो स्लो इफेक्ट है, ओवरलैप हो जाता है, दूसरा ऐसे 24 घंटे वाला धीरे धीरे कम होगा ना, वो तो वो दूसरा शुरू हो जाता है, तो वो साथ में बैलेंस हो जाता है, दैट्स द आइडिया. उसके बाद आता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन. सो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन 2 घंटे में शुरू होता है उसका इफेक्ट, और 2 घंटे के बाद उसका पीक इफेक्ट जो है वो कैसे आएगा, वो आएगा कभी 6 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी 12 घंटे के बीच में, तो ऐसा कोई पक्का नहीं है. तो 2 घंटे बाद इफेक्ट शुरू होगा, जैसे कि लैंटस, बेसलार, लेवीमार, 2 घंटे के बाद, और 14 से 24 घंटे तक चलेगा. और एक और टाइप है इंसुलिन का, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग. जी हाँ, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग, जिसमें ट्रेसिबा आता है, ग्लार्जिन डेग्लुडेक, वो आता है इंसुलिन ग्लार्जिन डेग्लुडेक, वो तो भाई साहब 2 से 6 घंटे बाद उसका इफेक्ट शुरू होता है और चलेगा कितने दिन, कैन यू इमेजिन, 2 दिन तक, 36 से 40 घंटे तक.
36 से 40 घंटे तक उसका इफेक्ट, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग। सो अगर आप अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग ले रहे हैं तो आपको लो कार्ब डाइट रखनी है रेगुलर में, सिर्फ अगर ले रहे हो। ज़्यादातर केसेस में अल्ट्रा लॉन्ग या लॉन्ग एक्टिंग साथ में कंबाइंड होती है रैपिड एक्टिंग या नॉर्मल एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग वालों के साथ में, ताकि जब आप इमीडिएटली खा रहे हो तो ये दोनों बैलेंस हो सके। सो दिस इज द टाइप ऑफ इंसुलिन एंड हाउ यू हैव टू मैनेज दैट। रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। अगर आपने शॉर्ट एक्टिंग ली है तो तुरंत कुछ ना कुछ खाना, अल्ट्रा या रैपिड एक्टिंग ली है तो तुरंत कुछ ना कुछ खाना है शॉर्ट एक्टिंग के आधा घंटे के बाद, लॉन्ग एक्टिंग के बाद में आपने खाने हैं लो कार्ब डाइट। लो कार्ब डाइट के बारे में नहीं पता तो हमारे वीडियोज़ यूट्यूब पे ज़रूर देख लीजिए उसके बारे में। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।